साइनसोइडल पीडब्ल्यूएम थ्री फेस इन्वर्टर, साइनसोइडल पीडब्ल्यूएम थ्री फेस इन्वर्टर। इससे पहले अपन ने एक पढ़ा था सिंगल फेस हाफ वेव इन्वर्टर, उसी की तरह इसका वर्किंग है। कुछ चीज़ें चेंजेस होगी और कुछ चीज़ें पहले की तरह ही काम करेगी। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइसेस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के काम में आती है। आइडियली अगर हमें देखा जाए कि इन्वर्टर है वो शुड भी साइनोसोडल वेवफॉर्म हमको आउटपुट के अंदर देना चाहिए। ये डायग्राम है सिंगल फेज हाफ फेज इन्वर्टर का। इससे पहले अपन ने एक हाफ फेज सिंगल फेज इन्वर्टर पढ़ा था, बट उसका जो डायग्राम है वो एसटीआर के साथ एसटीआर एंड डायोड को मिलकर बनाया गया था। बट ये जो डायग्राम है ये यूजिंग द आईजीबीटी, आईजीबीटी को यूज करके इसको हमने डेवलप किया है। जूम करके देखिए जैसे कि बताया गया है। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर लोड जो है वो मिड लोड के अंदर कनेक्टेड है। अब जब हम S1, जब स्विच S1 क्लोज होगा तब जो जो सप्लाई है वो VDC/2 से होती हुई इस सर्किट से, फर्स्ट सर्किट से होती हुई फ्लो होगी। बट जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा सेकंड हाफ सर्कल माइनस VDC/2, जब S4 स्विच को हम क्या करेंगे ऑन करेंगे तो जो सप्लाई है वो VDC/2 से होती हुई फ्लो होगी। तो इसलिए इसे के बताया गया है जब हम S1 को ऑन करते हैं तो जो हमको आउटपुट के अंदर वैल्यू मिलती है वो होती है पॉजिटिव VDC/2, और जब हम क्या करते हैं S4 को ऑन करते हैं तो जो हमको आउटपुट मिलता है वो होता है नेगेटिव VDC/2। अब हम क्या करते हैं गेट सिग्नल, जैसे ही हम बात सिग्नल गेट सिग्नल S1 को हम क्या करते हैं S1 को हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली करते हैं तो S1 कंडक्ट करता है 0 से लगाकर T/2 टाइम के लिए। मतलब जो हमारा टोटल टाइम है, जैसे हमारा टोटल टाइम है यहाँ पर टी, तो टोटल टाइम से हाफ टाइम T/2 टाइम को हमने डिवाइड कर दिया फॉर द सर्किट ऑफ S1 एंड हाफ टाइम को हमने डिवाइड कर दिया फॉर द सर्किट ऑफ S4। तो 0 से लगाकर T/2 टाइम के लिए जो हमारा कंडक्ट होगा वो होगा S1 सर्किट, और जब सेकेंड टाइम के अंदर जो हमारा S4 कंटिन्यूसली होगा वो होगा T/2 से लगाकर T टाइमिंग के लिए। जब 0 से लगाकर T/2 टाइम के लिए कंडक्ट होगा तो उसके लिए जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो होगा V0=VDC/2। एंड ऐसे ही जब हम हमारे सर्किट में T/2 से लगाकर T टाइमिंग के लिए जब वैल्यू होगी जो हमको वैल्यू मिलेगी वो होगा V0-VDC/2। इससे जो हमको आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो वेवफॉर्म होती है स्क्योर वेवफॉर्म। मतलब इससे हमको प्योरली साइनोसोइडल वेवफॉर्म नहीं मिल पाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसको अभी तक हमने रिकवर नहीं किया है। तो इससे जो हमको आउटपुट मिलता है वो था स्क्योर वेवफॉर्म। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे या मोर एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने शो किया कि हमारे पास V0 है, इससे हमने जब इसको ऑन किया तो हमारी सप्लाई है, जैसे हमने इसको ऑफ किया तो ये 0 हो गया। उस टाइम में जो वैल्यू मिली वो पॉजिटिव VDC/2 मिली। जैसे S4 को हमने ऑन किया तो हमारा T/2 टाइमिंग से एक हमारा माइनस VDC के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये माइनस VDC/4 जब तक S4 कंडक्ट करेगा तब तक कंडक्ट करेगी, और जैसे ही हमारा टाइम टी आ गया तो हमने इसको क्या कर दिया ऑफ कर दिया, और जैसे हम इसको ऑफ करेंगे ये वैल्यू 0 की ओर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और टी टाइम पर हमको वैल्यू जो मिलेगा वो हाफ सर्कल ऑफ नेगेटिव एंड उसी टाइप से अल्टरनेटिवली हाफ सर्कल ऑफ पॉजिटिवली हमको मिलेगा। अब जैसे ही मैंने पहले बताया कि हमारे को जो वेवफॉर्म मिलती है वो मिलती है स्क्योर वेवफॉर्म,
और स्क्वायर वेव फॉर्म मतलब उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे चीज़ है कि इसमें जो हार्मोनिक है वो लो ऑर्डर के हार्मोनिक होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ अगर हम इसमें हार्मोनिक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो साइज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर की जो क्वांटिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं साइज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, वो बहुत बड़े या लार्ज स्केल पर हमको चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, इसमें जो हमको मैग्नीट्यूड मिलता है वोल्टेज का वो कांस्टेंट मिलता है, तो ये भी एक तरह का हमारे लिए ड्रॉबैक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो ये दो मेन ड्रॉबैक्स है। इसके अलावा भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो अपन आने वाला अगले जो हमारे टॉपिक्स होंगे, ये जो क्लासेस लगेगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास PWM टेक्निक है, अर्थ विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट है हमारा साइनोसोडल वेवफॉर्म्स, एक होता है स्पेस वेक्टर स्पेस वेक्टर PWM टेक्निक। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो साइनोसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक SPWM आज की तारीख में पॉपुलरली यूज हो रहा है, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इजी है, इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के तारीख में जो मेनली यूज होने वाली टेक्निक है वो साइनोसोडल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इसके एडवांटेज क्या, इसमें जो मैग्नेटिक और जो आउटपुट वोल्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो उसके अंदर एक ये ड्रॉबैक था कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो उस ड्रॉबैक्स को इन्होंने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज एंड मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसी हमको नीड है या जैसी हमको यूज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कम ज़्यादा राइज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन द सेकेंड थिंग, द हार्मोनिक आर अराउंड द मल्टीपल स्विचेस फ्रिक्वेंसी, हार्मोनिक्स आर स्विचेस अराउंड द मल्टीपल ऑफ द स्विचिंग फ्रिक्वेंसी एंड द हायर ऑर्डर ऑफ हार्डवेयर कैन बी इजिली रिमूवर। हम हायर ऑर्डर के जो ऑर्डर थे उसको हम इजिली, इसमें जो हायर ऑर्डर को हार्मोनिक्स होते हैं हम उसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द लो साइज कंडक्टर। तो एक ड्रॉबैक्स हमारे पास वो भी था कि अगर हम उस केस के अंदर हमको हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है तो हमको बल्कि साइज ऑफ द कंडक्टर एंड कैपेसिटर की जरूरत पड़ती थी, बट इस केस के अंदर हमको क्या चाहिए, लो साइज कंडक्टर को भी हम यूज करके और कैपेसिटर को भी हम यूज करके हायर ऑर्डर हार्मोनिक को रिमूव कर सकते हैं। साइनोसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर, जैसे कि हमने देखा था इसके दो स्विचेस है S1 एंड S4। तो जो S1 एंड S4 है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं साइनोसोइडल विद द रेफरेंस वेवफॉर्म। हमारे पास एक कैरियर वेवफॉर्म होगी फ्रिक्वेंसी की और एक हमारे पास रेफरेंस वेवफॉर्म है, तो हम क्या करते हैं इसको हम कंपेयर करवाते हैं विद द रेफरेंस वेवफॉर्म। जो साइनोसोइडल रेफरेंस वेवफॉर्म है हमने उसकी वोल्टेज को वी आर से डिनोमिनेट किया है, एम्पलीट्यूड को वी आर से डिनोमिनेट किया है एंड फ्रीक्वेंसी को एफ आर से डिनोमिनेट किया है। एज संगे ट्राइंगुलर जो सिग्नल थे हमारा उसके लिए हमने वी सी एम्पलीट्यूड वी सी के कैपिटल वी सी के थ्रू एंड द फ्रीक्वेंसी को एफ सी के थ्रू डिनोमिनेट किया है। जब हमारे पास इसके एक लाइन लिखी हुई है, जब वी सी वी आर इज मोर देन वी सी, जब वी आर की वैल्यू वी सी से ज़्यादा है तब हमारा जो स्विच है वो S1 ऑन होगा एंड S4 ऑफ होगा। सेम इज द इफ वी आर इज लेस देन वी सी देन S4 इज ऑन एंड S1 इज ऑफ कंडीशन। तो बेसिकली वही चीज है जो अपन पहले पढ़ रहे थे कि एक टाइम के अंदर एक स्विच ऑन होगा एंड दूसरा ऑफ होगा, एंड अल्टरनेटिवली जब S4 ऑफ होगा ऑन होगा तब S1 ऑफ होगा। तो हमने यही बोला कि जब हमारे पास वी आर की वैल्यू अपर देन द वी सी है तो हमारे पास जो स्विच ऑन होगा वो S1 होगा, अदरवाइज वी आर इज लेस देन द वी सी देन स्विच इज S4 ऑन।
जब S1 हमारे पास ऑन होगा तब हमको जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस VDC के बाद इक्वल मिलेगी, और जब S4 ऑन होगा तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस VDC मिलेगी। ये एक तरह से हमारे पास एक डायग्राम शो है जिसका अंदर कंपैरिजन दिखाया गया है साइनोसोडल वेवफॉर्म्स का विद कैरियर सिग्नल्स के साथ। ये जो हमारे पास वेवफॉर्म्स है ये सारी कैरियर सिग्नल्स को डिनोमिनेट करती है, और जो रेड के अंदर हमको जो वैल्यूज मिली है ये वाली, ये हमारे रेफरेंस वेवफॉर्म VR को डिनोमिनेट करती है। ये जो विद है वो हमारे फ्रिक्वेंसी FC को डिनोमिनेट करती है। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, अगर हमको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने तो यूजिंग दिस पैरामीटर वी कैन बी फाइंड आउट द दीज वैल्यू। जैसे कि अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स, जिसे हम एम ए से डिनोमिनेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एम ए VR अपॉन VC। अगर हम VR अपॉन VC का डिवाइडेशन निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स एम ए। अगर हमको फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन इंडेक्स निकालना है दैट इज कॉल्ड MF, तो V सॉरी V FC अपॉन FR। सेम एज द पीक फंडामेंटल वोल्टेज निकालना है हमको अगर, तो VP1 इज इक्वल टू M, M क्या है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स इंटू VDC/2। यहाँ पर हमने VDC/2 क्यों लिया, हमने VDC/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है वो है V/2, तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिए वो लिए VDC/2। इसमें की जो लिखी हुई है कि जब फ्रिक्वेंसी आउटपुट फंडामेंटल वोल्टेज होगा वो सेम होता है फ्रिक्वेंसी रेफरेंसेस वेवफॉर्म के बराबर। और इफ वी वांट टू फाइंड आउट द हार्मोनिक ऑर्डर देन इसे हम डिनोमिनेट करते हैं एफ एच के थ्रू, जिसमें जे एम एफ प्लस माइनस के, जहाँ जे की वैल्यू 1, 2, 1, 3, 5 से के इक्वल होगी, फॉर के की वैल्यू 2, 4 एंड 6 के इक्वल होगी। आगे अपन एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये 3 फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को शो किया है। 3 फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि वहां पर हमारे पास कितने डायोड या SCR लगे हुए होते हैं, या अगर हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल इन्वर्टर के, तो हमारे पास 2 SCR एंड 2 डायोड लगे हुए होते हैं। अगर हम बात करते हैं IGBT के साथ तो हमारे पास 2 IGBT लगे हुए होते हैं। सेम इज द यूजिंग ऑफ द IGBT यहाँ पर, तो अगर सिंगल फेज के लिए 2 IGBT लगे हुए हैं तो हमारे पास 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ IGBT जो इसमें यूज होते हैं वो होते हैं 6। तो ये जो काम करता है ये 3 फेज के अंदर काम करता है, फेज ए फेज बी एंड फेज सी। हमारे पास 3 फेज हो गए, R Y एंड B बोल सकते हैं, या फिर हम इसको फेज ए फेज बी एंड फेज सी से भी जो डिनोमिनेट कर सकते हैं। सेम एज इसके अंदर शो किया गया है कि एक बार में जो एक सिंगल फेज ऑन होगा उसमें S1 एंड S4, जब S1 ऑन होगा तब S4 ऑफ कंडीशन के ऊपर उससे जो हम आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो VDC/2 मिलेगी। सेम इज जब S1 इज ऑफ कंडीशन एंड S1 इज ऑन कंडीशन, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस माइनस VDC/2 मिलेगी। इसके ऑपरेशंस के अंदर जो ईच डिवाइस है वो 180 डिग्री के ऊपर वर्क करती है, और जो S1 अब ऑन होगा तो वो कंडक्ट करेगा 0 से लगाकर 180 डिग्री थी, एंड जब S4 कंडक्ट होगा वो कंडक्ट करेगा 182/360 के ऊपर। तो ये चीज प्रोसेसर कंटिन्यूअसली वर्क करता जाएगा और हमको आउटपुट के अंदर वेव फॉर्म लेकिन जो स्क्वायर वेव फॉर्म में जो फेज शिफ्ट होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। लाइक एक एग्जांपल जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया था कि हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स,
फंडामेंटल वोल्टेज कंपोनेंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि द एम्पलीट्यूड कैरियर वेव VC इज इक्वल टू 1 एंड फ्रीक्वेंसी कैरियर वेवफॉर्म FC इज इक्वल टू 1215 हर्ट्ज। द एम्पलीट्यूड रेफरेंस वोल्टेज VR इज इक्वल टू 0.8 एंड फ्रीक्वेंसी रेफरेंस वोल्टेज FR इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज। द टोटल DC लिंक VDC इज इक्वल टू 1000। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल वोल्टेज एंड कंपोनेंट एंड द हार्मोनिक ऑर्डर। हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी सी। वी आर की वैल्यू हमारे पास है एंड वी सी की वैल्यू भी हमको दी हुई है, तो 0.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.8 के इक्वल हो गया है। अब हमको क्या करना है, फंडामेंटल वोल्टेज कंपोनेंट निकालना है। तो एम ए अपॉन वी डी सी बाय 2, एम ए की वैल्यू 0.8 एंड वी डी सी की वैल्यू है हमारे पास 1000 बाय 2, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल टू 400 हमको यहाँ पर आउटपुट मिल गया। सेम ऐसे हमको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स हमारे पास एम एफ प्लस माइनस के है, तो हमारे पास एम एफ फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू होगी एफ सी अपॉन एफ आर। एफ सी 1250 है और एफ आर इज इक्वल टू 50, 25 आ गया। तो फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे, जे की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस माइनस के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। सेम इज द सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे, थर्ड के अंदर 3 4, एंड ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आया वो है 23 27 49, ये चीज़ें सो ऑन कंडीशन के अंदर चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।